ठीक है, सो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं डील कर चुका हूँ. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द जीन रेगुलेशन. ठीक है, अब हम देखने वाले हैं जीन रेगुलेशन के बारे में कि व्हाट इज़ जीन रेगुलेशन. जीन रेगुलेशन का मतलब जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ज़्यादातर मैंने चीज़ों को बताया था जीन रेगुलेशन कैन बी अकर इन द प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे हो सकते हैं कि प्रोकैरियोट में भी हो सकता है और यूकैरियोट में भी हो सकता है. प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में हो सकता है. यहाँ पर हम देखने वाले हैं जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट के केसेस में जीन रेगुलेशन करने वाले हैं. तो आपको बता दूं कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि देर इज सम केसेस, कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं जहां पे हम ऐसी चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, है ना. यह है प्रमोटर, यह है ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन. दिस इज अ ओपेरॉन. ये क्या होते हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ ओपेरॉन. ये है ऑपेरॉन का पार्ट. लेकिन एक होता है रेगुलेटरी, आई बोलते हैं या इसको आर डोनेट करते हैं. तो दिस इज़ नोन एज रेगुलेटरी जीन. ध्यान देने की कोशिश करना, दिस इज़ द रेगुलेटरी जीन. रेगुलेटरी जीन बनाएगा रेगुलेटरी एमआरएनए और अल्टीमेटली बनाएगा वो रेगुलेटरी प्रोटीन, दैट इज रेगुलेटर. रेगुलेटर जो है यहाँ पे बाइंड करेगा. रेगुलेटर, आई एम नॉट सेइंग इनहिबिटर, इट इज रेगुलेटर. ठीक है, दिस इज प्रमोटर. पी का मतलब है प्रमोटर. ठीक है, ओ का मतलब है ऑपरेटर एंड एस का मतलब है स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन जो कि एक्चुअल में आपके एमआरएनए बनाएंगे और वो बनाएंगे आपके प्रोटीन डिजायर्ड वन, जो कि डिपेंड करता है कौन सा ऑपेरॉन की बात हम कर रहे हैं. यहां ध्यान देना कि प्रमोटर जो होता है, प्रमोटर से बाइंड करने वाला कंपोनेंट होता है, दैट इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड करता है प्रमोटर से. प्रमोटर से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज. कहाँ पे? प्रमोटर से. ठीक है, प्रमोटर से बाइंड करने वाला आरएनए पॉलीमरेज, इसकी अफिनिटी को बढ़ाने वाला होता है सिग्मा फैक्टर. वो सारी चीज़ें एक अलग पार्ट है, मैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. यहाँ पर हम रेगुलेशंस के ऊपर बात करेंगे. एंड ये जो रेगुलेटर प्रोटीन्स होते हैं, दे लाइक ये बाइंड करते हैं आपके ऑपरेटर से. किससे बाइंड करेंगे? ये बाइंड करेंगे आपके ऑपरेटर से. ऑपरेटर से बाइंड करके कि अगर कोई भी चीज़ होती है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करता है, रेगुलेटर हमेशा उससे आगे बाइंड करेगा. अगर कुछ भी होगा तो ये तुरंत रोक देगा आरएनए पॉलीमरेज को कि नहीं, आगे नहीं बढ़ना है तुमको, यहाँ पे हमें बंद करना है. ठीक है, बंद करना है कि नहीं बंद करना, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है कि वो कैसे हो रहा है. तो रेगुलेटर, पॉजिटिव रेगुलेटर, नेगेटिव रेगुलेटर, अलग अलग रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं. और ध्यान देना कि जब रेगुलेटर ऑपरेटर से बाइंड किया रहेगा, अगर रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव है तो वो ऑपरेटर से बाइंड किया रहेगा, और अगर कोई चीज़ ऑपरेटर से बाइंडेड है तो जीन जो है वो ऑफ होगी. ठीक है, ध्यान देना, एक केसेस समझने की कोशिश करिएगा. व्हेन आरएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके प्रमोटर से बाइंड होगा, अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड है, अफिनिटी अच्छी खासी है, और ये केस ये हो सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंडेड है और रेगुलेटर जो है वो आपके नॉट बाइंडेड है ऑपरेटर से, रेगुलेटर इनएक्टिव है. तो ये ध्यान देना कि इस केस में कोई भी ऑपरॉन जो होता है वो ऑन होता है. और अगर होता है कि आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंडेड है या ब्लॉक्ड है, आरएनए पॉलीमरेज नॉट बाइंडेड, बाइंडेड नहीं है, और अगर वहाँ पे रेगुलेटर प्रोटीन जो है वो बाइंडेड है ऑपरेटर से, सो दिस इज लाइक वो जीन जो है उसको ऑफ करेगा. एक बेसिक फंडामेंटल होता है. ठीक है, इसको धीरे धीरे हम और एलाबरेट करते हुए आगे चलेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कुछ चीज़ें. That operon is a group of genes, जैसे आपको बताया गया, operon is a group of genes जिसमें कि pause की बात की जाती है. R is not a part of operon. Operon can be inducible or repressible. What is inducible operon and what is repressible operon? Inducible का नाम ही suggest कर रहा है कि किसी भी particular component के present होने पर ये जो operon है वो on होगा. जो desired component है वो उसके होने पे ये जो है प्रेजेंस पे ये ऑन होगा, और desired component के प्रेजेंस पे ये जो है वो ऑफ हो रहा है. तो ऑब्वियस ये बात है कि देखो, अगर desired component के प्रेजेंस पे ऑन हो रहा है, मतलब दिस शुड बी कैटाबोलिक. फॉर एग्जाम्पल, लैक्टोज को अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसको तोड़ने की जरूरत है, तो तोड़ने की जरूरत है तो कैटाबोलिक ऑपरॉन हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो नोन एज लैक ऑपरॉन, कैटाबोलिक ब्रेकडाउन. रिप्रेसिबल का मतलब यह है एनाबोलिक,
कि कोई चीज देखिए अगर प्रेजेंट है तो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। मतलब अगर ट्रिप्टोफैन है तो इसको बनाने की जरूरत क्या है, रिप्रेस कर रहा है। ट्रिप्टोफैन होगा तो इसको रिप्रेस करेगा। एनाबोलिक ओपरॉन जो होते हैं वो रिप्रेसिबल ओपरॉन में गिने जाते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम इस चीज को समझे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि दिस आर वन आर कैन सिंथेसाइज द रिप्रेसर वन ऑल्सो एंड दिस कैन ऑल्सो सिंथेसाइज एक्टिवेटर वन। RNA polymerases bind to the promoter, as I told you. Repressor bind to the operator and activator bind to the promoter. यहाँ पे जो चीज बता रहा था कि regulatory regulator bind कर सकता है, operator पे भी bind करेगा and this can bind to the promoter also. अगर ये repressor होगा तो वो यहाँ पे bind करेगा एंड अगर एक्टिवेटर होगा तो यहाँ पे बाइंड करेगा, एक्टिवेट कराएगा। सो एग्जैक्टली एक्टिवेटर कैन बाइंड टू द प्रमोटर, ये है आपका प्रमोटर जिसको कि हम बोलते हैं पी एंड ऑपरेटर को बोलते हैं ओ। अब बार बार मैं ऑपरेटर अगर नहीं बोलूँ तो समझ जाना दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। तो एक नॉर्मल बेसिक जो ओपेरॉन का यूनिट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन कब स्टार्ट होगा, कैसे चीजें चलेंगी, ये पूरा कॉम्बिनेशन पे हम चलेंगे पहले ये जो टेबल पे, लेकिन पहले बेसिक फंडामेंटल समझिएगा लैक ओपेरॉन का क्या है। देखिएगा लैक ओपेरॉन अभी मैंने आपसे बताया कि इट इज द कैटाबोलिक, कैसा है ये एक कैटाबोलिक ओपेरॉन है। कैटाबोलिक होगा तो इंड्यूसिबल होगा, कैसा होगा इंड्यूसिबल, यानी जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन जो होगा वो ऑन होगा। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन जो है वो ऑन होने वाला है, ठीक है। सो लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो ऐसा क्या करता है जिसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं, तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा। कुछ ऐसे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला एंजाइम जो होता है दैट इज परमिएज। परमिएज इज द एंजाइम दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट द लैक्टोज इनटू द सेल। जो बाहर के मीडिया में लैक्टोज जो होता है उनको ये परमिएज जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है कहाँ पे, इनसाइड द सेल। ये आ गया लैक्टोज। लैक्टोज जो अंदर आया द वेयर द दिस एंजाइम वेयर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक्स इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसको जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है एंड ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑल्सो कन्वर्ट्स, इस तोड़ने के अलावा ऑल्सो कन्वर्ट्स दिस लैक्टोज इनटू द एलो लैक्टोज, एक रिलेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा दैट इज एलो लैक्टोज, ठीक है। तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि दिस एलो लैक्टोज इज द एक्चुअल इंड्यूसर, दिस इज द एक्चुअल इंड्यूसर। एक्चुअल इंड्यूसर कौन है, ये है। और लैक्टोज क्या है, लैक्टोज है एपेरेंट इंड्यूसर। ये एक्चुअल में इंड्यूस नहीं कर रहा है, एक्चुअल में लैक्टोज, लैक्टोज पहले कन्वर्ट हो रहा है एलो लैक्टोज में जो कि एक्चुअल इंड्यूसर है एंड दिस एलो लैक्टोज विल आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज विद द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। येलो लैक्टोज आल्सो गो एंड आल्सो बाइंड विद द रिप्रेसर, दिस एलो लैक्टोज विल आल्सो बाइंड टू रिप्रेसर। ये जो होता है ये रिप्रेसर से बाइंड करेगा, ऑल्सो ये बाइंड करेगा और टर्न ऑन करने में एक बड़ा ही रोल प्ले करेगा। सो क्या देखा आपने कि बाहर का जो लैक्टोज है उसको लेके आने वाला था परमिएज, परमिएज लेके आया तो उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्टेड दिस पर्टिकुलर लैक्टोज टू द एलो लैक्टोज एंड आफ्टर द एलो लैक्टोज कन्वर्जन इट विल बाइंड टू द रिप्रेसर एंड इट विल टर्न ऑन द प्रोसेस या टर्न ऑन द ओपेरॉन सिस्टम, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल ये था। चलिए देखिएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एंड लैक्टोज के इसमें क्या हो रहा है, दैट व्हेन इट इज एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, अगर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लैक्टोज है तो क्या होगा, ठीक है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर एब्सेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस के ऊपर बात की जा रही है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि देखिएगा यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन लैक आई ट्रांसक्रिप्शन से एक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया हुआ है। रिप्रेसर प्रोटीन कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव है रिप्रेसर प्रोटीन। जब एक्टिव है तो कहां पे बाइंड करेगा, ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड किया, लैक ऑपरेटर पे कहां पे बाइंड करेगा, इट विल गो एंड बाइंड्स विथ ऑपरेटर, ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। जैसे ही ऑपरेटर पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज क्या प्रमोटर पे बाइंड कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो है कैन नॉट बाइंड टू द प्रमोटर, ये जो है कैन नॉट बाइंड टू द प्रमोटर। जब प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन एंड द फिनोमिना या ट्रांसक्रिप्शन शुड बी ऑफ हियर, ये जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर नो लैक्टोज
यहाँ पे कोई भी लैक्टोज नहीं था, ध्यान देना, नो लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं था, रिप्रेसर कैसा था? रिप्रेसर एक्टिव था। रिप्रेसर एक्टिव था तो आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी कैसी थी? आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी जो है वो लेस थी, कम थी, और ये जो आपका ऑपरॉन था वो ऑफ हो गया था। दिस इज द केस जब नो लैक्टोज, रिप्रेसर इज एक्टिव, आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी कम। नाउ व्हेन यू सी इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के प्रेजेंस में चेक करोगे तो दिस इज लाइक कि अगर हम बात कर रहे थे आपका लैक्टोज जो नॉर्मली बात किया जाता है, लैक्टोज जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, व्हेन यू सी दिस लैक्टोज बीटा गैलेक्टोसाइडेस से एक्चुअल इंड्यूसर एलो लैक्टोज में कन्वर्टेड था। दिस पर्टिकुलर एलो लैक्टोज जैसा कि आपको बताया गया था कि दिस विल बाइंड टू द एक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन, देखिएगा कि एक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड करता है, बाइंड करते ही दिस विल फॉर्म द इनएक्टिव रेगुलेटरी प्रोटीन, क्या करेगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। कौन? दिस पर्टिकुलर एलो लैक्टोज। जैसे ये यहां पे किया, यहां पे बाइंडिंग जो है पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्या एक्टिव ये इनएक्टिव रेगुलेटर नहीं बाइंड कर पाएगा। तो नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड कर सकता है, कहां पे, प्रमोटर पे, ये है प्रमोटर, प्रमोटर पे इजिली बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज, देखो बाइंड करने के बाद नाउ दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, मूव करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद देयर इज अ थ्री जीन जेड वाई ए, जेड इज रिस्पॉन्सिबल, लाइक यहां पे इस चीज को अगर बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि जेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस, वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमिएज एंड ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसस्टाइलेज। यही गैलेक्टोसाइडेस आप एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, यही परमिएज उसको लेके आ रहा था, और ट्रांसएसिटाइलेज मेटाबोलिज्म में इन्वॉल्व होता, उसका रोल लैक्टोज इसमें नहीं होता। सो दिस इज द केस जेड वाई, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स जो है यहां पे पाए जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि लैक्टोज जब था तो क्या हो रहा था, देयर इज अ केस व्हेन लैक्टोज इज देयर, लैक्टोज प्रेजेंट था तो रिप्रेसर कैसा था, लैक्टोज जैसे प्रेजेंट हुआ तो रिप्रेसर इनएक्टिव, रिप्रेसर जो है इनएक्टिव होगा, रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी कैसी होगी, आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जीन जो है वो ऑन हो जाएगा और पूरा का पूरा आपके तीन प्रोडक्ट बना देंगे जो कि बताए गए थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। This is the case here. When there is no lactose, repressor is active, then RNA polymerase affinity is less. अगर कोई भी no lactose है, repressor active होगा, ये कम हो जाएगा। When lactose is present, repressor is inactive, affinity is more. RNA polymerase, so transcription should be on here. ठीक है? So hope you got it. Like कि यहाँ पे ये था the positive, the negative regulation of the lacoperon. ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव रेगुलेशन की बात करें, द नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ द लैकोपेरॉन। नाउ व्हाट शुड बी द पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन का क्या मतलब कर रहे हैं कि नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट हो रहा है तब वो बेसिकली देखेंगे ऑन कर रहा है, और जब नहीं है, जब नो लैक्टोज इज देयर तो ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जा रहा है, दिस नेगेटिवली रेगुलेट करने का काम कर रहा है ये। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा कि अब जो है यह है पॉजिटिव रेगुलेशन। व्हाट इज पॉजिटिव रेगुलेशन, दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, इसमें कई के केसेस आते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन का अलग अलग पंगा होता है, एंड दिस इज द केस कि नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दोनों को कंबाइन करने से पहले पॉजिटिव रेगुलेशन में बता देता हूं, देखिएगा व्हाट इज पॉजिटिव रेगुलेशन। अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव रेगुलेशन इज वेरी लाइक बहुत ही बेसिक सा है, ग्लूकोज के प्रेजेंस में कुछ चीजें चलती है, ध्यान देना कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इज प्रिफरेबल ओवर लैक्टोज, ये जो होता है ये प्रिफरेबल होता है ओवर लैक्टोज, मतलब लैक्टोज से पहले कोई भी ई कोलाई ग्लूकोज को प्रिफर करता है। ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सी ए एम पी, दैट साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सी एम पी मॉलिक्यूल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सी ए एम पी जो है, सी एम पी एक्टिवेट्स कैप प्रोटीन,
दैट इज कैटाबोलाइट, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या करता है, ठीक है, कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और नहीं है तो। पहला केस ध्यान दीजिएगा कि व्हेन दिस इज लाइक कि ये जो है आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोमोटर है, यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, जेड वाई है, ये जो है ये बनाएगा कैप, कैप प्रोटीन बनाएगा। फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक ग्लूकोज जो है वो आपका हाई है। देखिएगा अगर ग्लूकोज हाई है तो वी कैन से दैट सी ए एम पी जो है वो लो होगा, सी एम पी लो होगा। दूसरा केस हम देखेंगे जब ग्लूकोज जो है वो लो है, अगर ये लो होगा तो वी कैन से दैट कि सी ए एम पी जो होगा वो हाई होगा, ठीक है, ये केस देखेंगे। तो नाउ देखो कैप इज जनरली इनएक्टिव, कैप जो जनरली जो होता है वो इनएक्टिव होता है। जब ये इनएक्टिव होता है तो यहां पे सी ए एम पी का लेवल कैसा है, सी एम पी का लेवल जो है वो लो है, तो सी एम पी क्या इस कैप से बाइंड कर पाएगा, नो बाइंडिंग, कोई भी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, कोई भी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। ये कैप जो होता है क्या ये प्रमोटर से बाइंड कर पाएगा, कैन नॉट बाइंड, कैन नॉट बाइंड। कैप करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैप, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप बाइंड्स टू द प्रमोटर, एक्टिवेटर है भाई ध्यान देना, बाइंड्स टू प्रमोटर, ये रिप्रेसर नहीं है, एक्टिवेटर है, आपको शुरू में बता चुका हूं कि प्रमोटर से बाइंड करेगा, बाइंड्स टू प्रमोटर एंड कॉज द बेंडिंग, क्या करता है, बेंडिंग कॉज करता है जिससे एंड इंक्रीजेस द अफिनिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, इंक्रीजेस द अफिनिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ये काम करता है। लेकिन यहां पे वो चीज हो ही नहीं पाएगी, अगर ये चीज है तो आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी के ऊपर जब हम बात करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यहां पे बाइंड कर पाएगा, नो, पॉलीमरेज जो है वो यहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा, नो और लेस अफिनिटी, अफिनिटी ही कम है, जब अफिनिटी कम है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। सो एक्चुअली में क्या हो रहा था, कैप इनएक्टिव था, बाइंडिंग नहीं हो पाया, सीएमपी लेवल लो था, ये काम चल रहा था, यानी जब ग्लूकोज हाई था सीएमपी लो था तो यहां पे ये ऑफ हो गया, ठीक है, ये सीएमपी ऑफ हो गया, ये लो तो ये वाला केस। नाउ एग्जैक्टली अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि यहां पे क्या हो रहा है कि दिस सेकेंड वन, सेकेंड वन के केसेस में जब हम बात करें तो अगेन दिस इज रेगुलेटरी प्रमोटर ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी प्रोटीन विल सिंथेसाइज कैप एंड कैप शुड बी इनएक्टिव फर्स्ट, इनएक्टिव होगा, बट हियर अगर हम बात करें सी ए एम पी, सी एम पी लेवल कैसा होगा, सी एम पी लेवल हाई है, यहां पे सी एम पी लेवल हाई होगा तो दिस विल बाइंड टू द कैप, कैप से बाइंड करेगा, नाउ कैप विल बी एक्टिव, कैप एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही कैप एक्टिव होगा ये क्या करेगा, दिस विल बाइंड टू द प्रमोटर, यहां पे बाइंड कर सकता है, बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज की अफिनिटी जो है अच्छी खासी हो जाएगी, अफिनिटी इंक्रीजेस, ये है पॉलीमरेज, अफिनिटी इंक्रीज होगा तो ये फिर बाइंड करके इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहां पे जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा जेड वाई ए, और जिससे आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ठीक है, उसके बाद परमिएज बनेगा एंड ट्रांस एसिटाइलेज बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज द केस जो कि आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस। सो ये केस है आपका पॉजिटिव। तो अगर आप देख पा रहे हो कि बहुत सीधी सी बात है कि ग्लूकोज हाई, ठीक है, अगर आप देखें यहां पे ग्लूकोज हाई सी एम पी लो, सी एम पी लो तो कैप प्रोटीन इनएक्टिव, कैप प्रोटीन इनएक्टिव तो जीन ऑफ, बात समझ में आई, ग्लूकोज लो तो सी एम पी लो, ग्लूकोज हाई तो सी एम पी लो, कैप प्रोटीन इनएक्टिव, जीन जो है वो ऑफ हो गया। नाउ सेकेंड वन, ग्लूकोज लो सी ए एम पी हाई, कैप प्रोटीन एक्टिव, कैप प्रोटीन एक्टिव होगा तो जीन जो है ऑन हो जाएगा, अफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, दिस इज द केस ऑफ ग्लूकोज वन, ठीक है।
ये जो है आपका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे कैसे पंगे चल रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने दोनों को कंबाइंड लेके बताया है, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कंबाइंडली जो कि आपका आ रहा था। देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशंस में, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट रिप्रेसर इज एक्टिव बाइंड्स विद द ऑपरेटर ट्रांसक्रिप्शन शुड बी ऑफ। व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एलो लैक्टोज विल बी देयर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट करेगा, बाइंड्स विद द रिप्रेसर, रिप्रेसर विल बी एक्टिव, नो बाइंडिंग विद द ऑपरेटर एंड दिस इज ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा। ग्लूकोज जब एबसेंट है तो सी एम पी इज हाई, कैप इज एक्टिव, बाइंड टू द प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन इज ऑन। व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट कैप इज लो एंड दिस इज लाइक कैप इज इनएक्टिव, नो बाइंडिंग एंड दिस इज ऑफ। तो अगर आप इस चीज को देखें तो लैक्टोज और ग्लूकोज के पंगे में लैक्टोज जो है वो अगर नेगेटिव है तो चीज़ें ऑफ हो रही हैं, एंड लैक्टोज अगर पॉजिटिव है तो चीज़ें ऑन हो रही हैं। एंड सिमिलरली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, अगर नेगेटिव है तो ऑन हो रहा है, एंड ग्लूकोज अगर पॉजिटिव है तो ऑफ हो रहा है। कभी भी अगर इन दोनों की बात की जाएगी तो ध्यान देना कि नेगेटिव रेगुलेशन इज स्ट्रॉन्गर। अगर कंपेयर की बात की जाए तो नेगेटिव रेगुलेशन स्ट्रॉन्गर होगा साथ में जब हम बात करेंगे। तो सेम वही चीज देखिए, अगर वियर इज लाइक केस, ध्यान दीजिएगा हाई ग्लूकोज है, हाई ग्लूकोज लो लैक्टोज, हाई ग्लूकोज का मतलब है लो लैक्टोज इज देयर, लो सीएमपी। तो अगर हाई ग्लूकोज है तो बिकॉज लो लैक्टोज भी है, तो देखिएगा कि नॉर्मली अगर लो लैक्टोज है तो क्या कराएगा, ऑफ कराएगा, ये भी लो सीएमपी है तो ऑफ कराएगा, हाई ग्लूकोज है तो दोनों ऑफ कराएंगे, देयर शुड बी नो ट्रांसक्रिप्शन, कैप्साइड इज ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर लो ग्लूकोज है और लो लैक्टोज है दैट इज हाई सीएमपी, तो यहां पे भी अगर आप बात करें, देखिए सीएमपी प्रमोटर से बाइंड करेगा लेकिन रिप्रेसर तो बाइंड करके बैठा हुआ है ना भाई, लो लैक्टोज पे यहां तो बैठा हुआ है, तो यहां अफिनिटी बढ़ा भी दे सीएमपी तो भी आगे रोक के बैठा रहेगा। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो रिप्रेसर आगे बैठा रहता है, निगेटिव इसीलिए स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वो आगे होता है इस केस के। दैट्स वाई अगर यहां पे सीएमपी इस पे बाइंड करा भी दे आरएनए पॉलीमरेज को, फिर भी रिप्रेसर यहां पे बाइंडेड है, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। कैप इज कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन, क्लास वन होमोडाइमेरिक, प्रमोट द आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग एंड बाइंड्स विद द अल्फा पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, अल्फा पार्ट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है। अगर हाई ग्लूकोज है दैट मीन लो सीएमपी एंड हाई लैक्टोज। देखो यहां पे जो है कि ये आपका प्रमोटर, ये इस तरीके से कैप प्रोटीन जो है आराम से बाइंडेड रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज अफिनिटी बाइंड कराएगा, बाइंड करा के इसको लेके जाएगा और इस तरीके से इन्वॉल्व करेगा। ये है पॉलीमरेज, लो ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड प्रमोटर इफिशियंटली, बहुत तेजी से बाइंड नहीं कर पाएगा बिकॉज हाई ग्लूकोज है, यहां पर कैप नहीं बाइंड कर पा रहा है। जब यहां पर कैप नहीं बाइंड करवा पे तो अफिनिटी बाइंड तो करेगा लेकिन उतनी अच्छी अफिनिटी नहीं होगी, उतनी अच्छी अफिनिटी नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं देयर इज लाइक लो ग्लूकोज एंड हाई लैक्टोज, तो अफिनिटी अच्छा खासा होगा, मैक्सिमम लेवल का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑन कराएंगे। तो एग्जैक्टली ये टेबल जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी यही चीज है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो नेगेटिव रेगुलेशन क्या करेगा, नेगेटिव रेगुलेशन कहता है, देखो नेगेटिव रेगुलेशन लैक्टोज के लिए है, ठीक है, ये है लैक्टोज के लिए, पॉजिटिव रेगुलेशन ग्लूकोज के लिए। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो ऑफ कहेगा, ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ऑफ कहेगा, जीन ऑफ रहेगा, बेसल लेवल से कम बनेगा, ठीक है। अगर देखिएगा कि ये ग्लूकोज एब्सेंट है तो पॉजिटिव रेगुलेशन कहेगा ऑन हो जा, और लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो नेगेटिव रेगुलेशन कहेगा ऑन हो जा, तो दोनों में बेसल लेवल से ज्यादा बनेगा। नाउ अगर लैक्टोज ऑन है, लैक्टोज कहेगा कि नेगेटिव रेगुलेशन ऑन हो जा, ग्लूकोज कम, ग्लूकोज जो है वो आपका नॉर्मली कम है, ठीक है, हियर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज कहेगा ऑफ हो जा, ये ऑफ करने की कोशिश करेगा ग्लूकोज, और लैक्टोज कहेगा ऑन करने की कोशिश, बट यहां पे ऑन होगा नियर बेसल लेवल पे, नियर बेसल लेवल पे होगा, स्लाइटली हाई होगा लेकिन नियरली बेसल लेवल पे होगा, क्योंकि एक ऑफ करा रहे, अफिनिटी थोड़ी अच्छी खासी नहीं होगी जो कि ये वाला केस था बताया। देखो अफिनिटी इज नॉट वेरी हाई बिकॉज कैप प्रोटीन बाइंडेड ही नहीं था, ठीक है। सो नाउ इसके अलावा जो इस केस में आ जाएगा लो ग्लूकोज लो, इसमें देखिए लैक्टोज अगर कम है, नेगेटिव रेगुलेशन कहेगा ऑफ होने के लिए एंड पॉजिटिव रेगुलेशन कहेगा ऑन होने के लिए, लेकिन हाई कौन होगा, ये। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग भिड़ा रहे हो, ध्यान दो कि इस पूरे के पूरे केस में ग्लूकोज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ग्लूकोज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ध्यान देना। देखो अगर ऑफ था लैक्टोज वाला, लैक्टोज भी अगर पता है, दोनों में कुछ नहीं टेंशन लेना, लैक्टोज ऑफ, लैक्टोज अगर कम है तो ऑफ होगा,
फाइनली ऑफ। लैक्टोज अगर पॉजिटिव है ऑन होगा, फाइनली ऑन। लैक्टोज अगर प्रेजेंट है ऑन होगा, फाइनली ऑन। लैक्टोज अगर एब्सेंट है ऑफ होगा, फाइनली ऑफ। कुछ भी देख लो, ग्लूकोज का कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपके लैक ऑफ ब्रॉड में आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशंस। इसके अलावा देयर इज अ केस ऑफ जीन, कुछ म्यूटेंट के केसेस आते हैं, वो म्यूटेंट के केसेस आप लर्न कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। सो उसमें कुछ म्यूटेंट आते हैं जैसे लैक जेड माइनस, लैक वाई माइनस। लैक जेड एक होता है नॉर्मल, देखिए कि अगर लैक जेड प्लस है तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। इसके बाद लैक वाई माइनस, दैट नल म्यूटेशन ऑफ वाई, वाई नहीं बनाएगा, जेड जेड नहीं बनाएगा। ओसी, ओ लैक ओसी, ये म्यूटेशन दैट कैन नॉट बाइंड टू द रिप्रेसर, यानी हमेशा ऑन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑन रहेगा ये केसेस में। एंड लैक पी माइनस, दैट प्रमोटर माइनस, प्रमोटर कैन नॉट बाइंड टू द आरएनए एंड पॉलीमरेजेस, ऑपरॉन कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड। एंड लैक आई एस, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर, सुपर रिप्रेसर हो जाता है, रिप्रेसर जो है इंड्यूसर से ही बाइंड नहीं कर पाता इस तरीके से। तो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट लाइक म्यूटेशंस के केसेस आते रहते हैं, जिसमें कि कई सारी चीज़ें लर्न करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, म्यूटेशन का केस और सारी चीज़ें, उसके बाद बाकी ओपरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रिप्टोफैन ओपरॉन वगैरह, और फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे इस रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स को और फिर उसके बाद यूकैरियोट में शिफ्ट करेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। म्यूटेशन का केस नेक्स्ट में होगा, थोड़ा बहुत बेसिक म्यूटेशंस होंगे, उनको मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे हो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, आपकी हर परेशानी का है समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो मुकाम। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्सेज फॉर सीएसआईआर 2024, मिलेगा आपको यहाँ सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, वन टू वन डाउट सेशन और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट और डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, यूज कोड वेट20 फॉर 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।